आपकी राशि, कौन सा समय है आपके लिए शुभ, क्या है आज ग्रहों का रहस्य, कैसा रहेगा ये दिन आपका, जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। हाय नमा नमो नारायण मित्रों, राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे किसी भी जातक एवं किसी की भी जातक एवं जातिकाओं के लिए जो नशा बिना पिए चढ़ता है और पागल बना देता है, ऐसे जो पांच नशे हैं जो आपको पीने की ज़रूरत नहीं है, खाने की ज़रूरत नहीं है, बिना पिए चढ़ जाता है और आदमी को पागल बना देता है। अब आप सोचिए, ऐसा जो ना खाए और ना पिए कैसे चढ़ता होगा, कौन से नशे हैं, आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, ऐसे पांच नशे हैं जो आदमी को बिना पिए ही चढ़ता है। आपको दारू पीने की ज़रूरत नहीं है, कोई नशा करने की ज़रूरत नहीं है, कोई चुरूट पीने की ज़रूरत नहीं है, कोई नशीले पदार्थ को सेवन करने की ज़रूरत नहीं है। जीवन में ये पांच नशे ऐसे चढ़ जाते हैं कि वो आदमी को पागल बना देता है। तो दोस्तों, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। नशा करना बहुत बुरी आदत है। नशे की जब लत लगती है तो आदमी की ज़िंदगी खराब हो जाती है, सब कुछ लूट जाता है। इंसान के नशे की लत लगती है तो फिर वो नहीं छोड़ पाता है, उसको बहुत गहरा नशा चढ़ जाता है, आदमी पागल हो जाता है, तो मानसिक शांति ख़त्म हो जाती है। ऐसे पाँच नशे हैं जो बिना पिए चढ़ जाते हैं। नशा करने वाले लत दुनिया का कोई ताकत नहीं छुड़ा पाता है, इसीलिए नशा बहुत बुरा चीज है। तो ऐसे नशा पीने के बाद ही चढ़ता है। तो आज मैं ऐसे बिना पिए नशे कौन सी नशा चढ़ता है, आज आपको हैरान करने वाली, आपके होश उड़ाने वाली ऐसे बातें मैं आपके करूंगा। लेकिन कौन सा नशा बिना पिए ऐसे चढ़ता है, तो दोस्तों आप एक सच्चा हिंदुस्तानी हैं, अगर आप एक हिंदुस्तानी एक हैं तो आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आप अपने देश और अपने माता को प्यार करते हैं तो वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता जी, ओम श्री हनुमते नमः। प्रेम से बोले श्री राम। दोस्तों, सबसे बड़ा नशा है बिना पिए चढ़ने वाला। एक नंबर में आपको 10 बोतल दारू पीने से भी ज़्यादा खतरनाक नशा है प्यार का नशा। दोस्तों, एक बार किसी इंसान को ज़िंदगी में वो क्षण जरूर आता है जब उसे प्यार का नशा चढ़ जाता है। तो जब प्यार का नशा इंसान को चढ़ जाता है तो फिर वो किसी न किसी हद तक जा सकता है कि वो पागल हो जाता है। आपने कभी देखा होगा, आपके साथ भी गुरुजी होगी, आप डिप्रेशन में गए होंगे, आत्महत्या करने के लिए राजी हुए होंगे, उसके लिए सब कुछ त्यागने के लिए राजी हुए होंगे। प्यार का नशा ऐसा नशा है कि आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं छुड़ा सकती। प्यार जब किसी से हो जाता है कि हद तक एक बार प्यार का नशा चढ़ जाए, फिर कोई दुनिया की ताकत उसको छुटकारा नहीं दिला सकता। प्यार में अगर नशे में पागल भी हो जाए तो इस नशे को कुछ ही ज़िंदगी उसकी बर्बाद भी बन जाती है, और कितनी की ज़िंदगी सवर भी जाती है, और कुछ लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, आत्महत्या करते हैं, सुसाइड करने के लिए राजी हो जाते हैं। इस नशे से सफल भी हो सकते हैं और असफल भी हो सकते हैं। इतना खतरनाक नशा है कि आपको कोई दारू पीने की ज़रूरत नहीं है और कोई गांजा खाने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत बड़ा नशा है। कुछ पाने का नशा, आदमी के मन में लालसा, लोभ, लालच, ये दुनिया की इतनी बड़ी नशा है कि दुनिया में सबसे बड़ा नशा है। तो कि इंसान को जब कोई चीज़ पाने की लालसा बढ़ती है या चाहत बढ़ती है, अंदर से दुनिया की हर चीज़ को पाने के पीछे दौड़ता रहेगा, उसके ज़िंदगी में कभी भी वो चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसी खतरनाक नशा उसके जीवन में शुरुआत हो जाती है कि आपको दारू पीने की ज़रूरत नहीं पड़ती है और ना कोई आपको नशा करने की ज़रूरत होती है। ये बहुत किसी पाने की लालसा सबसे बड़ी नशा है। तो चाहत रखते हैं, आदमी को रात दिन एक कर देता है, मेहनत करता है, रातों की नींद उड़ जाती है, उसकी नींद हराम हो जाती है, अपने मंजिल की पाहन की चाहत की सबकी होती है, लेकिन लोगों के में पाने की चाहत चाहत में उसकी सारी ज़िंदगी नशा ही नशा में बीत जाता है। ना तो कुछ पीने की ज़रूरत पड़ती है, ना तो कुछ खाने की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, पिए बिना ही उसको चैन नहीं बैठता, इसीलिए उस चीज़ को पाकर ही दम लेता है। ये सबसे खतरनाक नशा है। अगर आप विश्वास करें, आपकी ज़िंदगी में भी एक बातें घटी होगी, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दोस्तों,
अगली चीज है आकर्षण का नशा। देखिए एक ऐसा नशा है जो आकर्षण का नशा, अगर ये नशा दो लोगों के बीच अगर हो जाए तो, लेकिन जरूरी नहीं है कि यह नशा हर बार दो लोगों के बीच हो जाए, अन्य तीसरे व्यक्ति के साथ या एक तरफी भी हो सकता है। आप विचार करें, दोनों के बीच होना जरूरी नहीं है, एक तरफी अकेला भी कभी हो सकता है। आकर्षण का नशा, इसको खाने की पीने की जरूरत नहीं है। भगवान श्री स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं दोस्तों, कभी भी आकर्षण का नशा जब किसी को हो जाता है तो जब चाहत बढ़ती है इंसान में, हमेशा खोने लगता है, वो डगमगाने लगता है, जीवन में डिप्रेशन हो जाता है, उसको कोई ऐसी चीज ही नहीं रहती। हर नशा इंसान के जीवन में एक बार जरूर चढ़ता है। तो इस नशे के परिणाम क्या होता है आप जानते ही हैं दोस्तों, और आप कोई बुद्धू तो है ही नहीं, तो यही बता सकते हैं कि जो जिसे नशा हुआ वही बता सकता है उसके जीवन के रहस्य के बारे में। तो आप इस बारे में जरूर सोचें। तो दोस्तों अगर कुछ करने का नशा जब आदमी के अंदर, मैं ये करूँगा जब जुनून लेता है तो सोचता है, या भगवान जब श्री कृष्ण कहते हैं जब तुम एक चाहत रखते हो, जब कुछ करने की आंट करते हो तब करके रहो, तब कुछ भी नशा हो जीवन में, कुछ करने का नशा मतलब जुनून है आपके अंदर से, जोश भरा हुआ है, कुछ करने की जोश है, तो जुनून होना बहुत ही अच्छी बात है, तभी तो आदमी सफल में पहुंचता है, तो सफल पहुंच सकता है, आपके रास्ते में सफलता मिलती है, बड़े बड़े बिजनेस गारमेंट्स आपको लेकर बन सकते हैं, आप जहाज को उड़ा सकते हैं। एक क्या है, कुछ करने की आशा, ये आदमी को सफल बना देता है। लेकिन ये जुनून, ये नशा जब तक उसकी मंजिल को हासिल नहीं करता तब तक वो आराम चैन बिल्कुल नहीं लेता। ये आदमी को जुनून होना एक बहुत अच्छी बात है और कुछ भी छोड़ सकता है इंसान ठान लेकर ना किसी बात को करने के लिए, तो दोस्तों ये जरूर करता है। मुझे ये करना है तो मैं करूँगा, आप भी करोगे अगर आप एक जुनून लेते हो, आप एक करने की चाहत लेते हो, हाँ आप करना चाहते हो, अगर एक जुनून लेते हो, आस रखते हो, तो आपको पीने की ज़रूरत नहीं है, कहीं नशा करने की ज़रूरत नहीं है, आप करके छोड़ोगे, आप सफल होगे, हाँ मैं करूँगा, तो मैं, मेरी चाहत है, मेरे अंदर जुनून है, तो मैं ज़रूर करूँगा। महान व्यक्ति को महान बनाने से पहले दुनिया में उस पर हंसा था, कहा भी गया है कि अगर जिस पर जंग हंसा उस पर इतिहास रचा। तो कुछ करने की नशा होना अच्छी बात है। आदमी के जब जन्म लेके, मनुष्य जन्म में अगर आपने जन्म लिया है तो कुछ करो, आशा रखो, करने की नशा, कुछ करने की आशाएं, कुछ करने की नशा आप जरूर लो, इसको पीने की जरूरत नहीं है। यह नशा ऐसे चढ़ जाता है कि जब तक वो अपने मंजिल को धारण नहीं करता, मंजिल में नहीं पहुंचता, तब तक उसके लिए ये बड़ी नशा है। आदमी को जीवन में, हर एक व्यक्ति को हर एक पटक जीवन में चढ़ता ही है। तो दोस्तों अगली पांचवी बात, पैसे कमाने की चाहत। देखिए ये भी बहुत ही बड़ा नशा है, आपको कोई ऐसे नशीला पदार्थ को सेवन नहीं करने की जरूरत, सबसे बड़ा नशा है पैसे कमाने की चाहत, पैसे की जरूरत, पैसे की दुनिया, पैसा ही पैसे की सपने, सबसे बड़ा नशा भी, ये भी खतरनाक नशा है। दुनिया में कोई ऐसा इंसान होगा जो जिससे पैसे कमाने की चाहत नहीं हो, मुझे भी है, आप में भी है। छोटा सा बच्चा जब बोलने शुरू करता है ना, उसको भी पैसे चाहिए। दोस्तों पैसा क्या चीज़ है, कली है, कली युग है। तो देखिए इंसान, कोई ऐसा इंसान नहीं है जो पैसा नहीं चाहिए है, और हर इंसान चाहता है कि पैसे कमाने की चाहत रखता हो, लेकिन कुछ लोगों को पैसे कमाने की चाहत बढ़ जाती है, लोभ बढ़ जाता है, लालच बढ़ जाता है, ये इतनी बुरी नशे में फंस जाता है कि, लेकिन कुछ लोगों को पैसे कमाने की चाहत हद से वृद्धि हो जाती है, तो यह नशा बहुत ही बुरी है। लेकिन नशा बुरा हो सकता है, जैसे कुछ लोग अच्छी तरीके से पैसे कमाना चाहते हैं, सही तरीके से पैसा कमाने चाहते हैं,
कोई लोग इतनी बुरी तरीके से कानून विरुद्ध जाके पैसा कमाने की चाहत रखते हैं तो ये पैसा कमाने के लिए हद को पार कर देते हैं, बहुत बुरी आदत में फंस जाते हैं। एक रात दिन कर सकते हैं, लेकिन इसके करने का मतलब पैसे का चाहत बढ़ना इंसान को भी कुछ कर सकता है, लेकिन बुरे रास्ते, खराब रास्ते, गलत रास्ते, कानून के विरुद्ध जाकर पैसा कमाने की चाहत भी आदमी को चोर एवं अन्य चीज़ में भी धकेल देती है। इतना खराब रास्ता है, इतना बुरा नशा है कि ज़िंदगी बर्बाद कर सकती है। इसीलिए ये पांच नशे, आपको दारू पीने की ज़रूरत नहीं है, नशा करने की ज़रूरत नहीं है, ये पांच चीज़ें ऐसे हैं जो बिना पिए आदमी को चढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, राधे राधे, जय माता जी, जय श्री हनुमान जी, जय बागेश्वर धाम की, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ऐसी नई नई जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल से मिलती रहेगी। जय माता जी।